अब बढ़ते हैं दूसरे कंसेप्ट की ओर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इतना मैं कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में कम से कम एक नंबर का, इससे ज्यादा भी दो या तीन नंबर के आपके क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकते हैं, जो आपके पूछे जाते हैं संवेदनशीलता यानी सेंसिटिव से संबंधित, पूरी की पूरी एनसीईआरटी से भरी हुई है। जब हम लोग एनसीईआरटी को देखते हैं तो एनसीईआरटी के नीचे लिखे हुए शिक्षक के लिए कुछ संकेत लिखे हुए हैं, वहां पर हर बात में ये कहा हुआ है कि बच्चों को यहाँ पर इस चीज के प्रति सेंसिटिव बनाओ, यहाँ पर टीचर को बच्चों को इस चीज के प्रति सेंसिटिव बनाना है। और शुरुआत के जो फ्रंट पेज होते हैं जो आपकी एनसीईआरटी की किताब के अंदर, वहां पर क्लियर डायरेक्शन दिए हुए कि बच्चों को आपको सेंसिटिव बनाना है हर चीज के लिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब इसकी तो गारंटी कोई भी ले सकता है कि ये तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। अब देखिए यहां पर बात हो रही है कि बच्चों को यहां पर सेंसिटिव बनाना है, संवेदनशील यहां पर बच्चों को बनाना है, और संवेदनशील किसके प्रति बनाना है। देखिए संवेदनशील बनाने की बात हुई, पहले तो बताइए क्या बच्चों को सेंसिटिव बनाना जरूरी होता है? नहीं होता, बहुत ज्यादा बच्चों को सेंसिटिव बनाना जरूरी होता है किसी भी चीज के प्रति। जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होता है, बच्चे टीचर से पढ़ रहे होते हैं, तो आपस में वो दोनों सेंसिटिव हो जाते हैं। देखो एक एग्जांपल आपको देता हूं, बड़ा मतलब मुझे दुख लगा और मैं हैरान हो गया। एक हमारा स्टूडेंट है, ठीक है, वो तैयारी करता है, तो उस बेचारे को ब्लड कैंसर है, ठीक है, और वो हॉस्पिटल के अंदर अब एडमिट हुआ, और उसको पढ़ने की इतनी लगन है, उसने कहा कि सर मुझे ये वाली तैयारी करनी है, बीपीएससी वाली की तैयारी कर रहा था कि सर मुझे तैयारी करनी है, साथ के साथ तैयारी मैं करता रहूंगा। तो मेरे पास उनका बच्चे का डेटा आया, डेटा आने के बाद मैंने कॉल किया कि भाई मतलब क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। अगर मैं सेंसिटिव नहीं होता बच्चों के प्रति तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, चलो ठीक है यार ये सब कर दिया, अपनी जिम्मेदारी निभा दी। बच्चा तो इतना खुश हो गया, वो हॉस्पिटल के अंदर था और उसका जो है क्या नाम है ऑपरेशन होने वाला था, कि सर जी मैं आप बहुत खुश हूं, मतलब आपने मेरे से बात करी और मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है, मतलब जो उन्होंने तारीफ करी। तो देखो यहाँ पर जो रिलेशन बन जाता है ना, टीचर स्टूडेंट का भी रिलेशन बन जाता है, जैसे टीचर बच्चे से प्यार करता है वैसे ही बच्चा भी सेम टीचर से प्यार करने लगता है। इसलिए यहाँ पर सेंसिटिव संवेदनशीलता बनाने की बात कही है, ताकि बच्चा हर चीज के प्रति यहाँ पर सेंसिटिव हो जाए। और जितना आप लोग वीडियो देख रहे हो, प्लीज मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, उस स्टूडेंट के लिए ऊपर वाले से प्रे करिए कि वो बेचारे का जो ऑपरेशन है वो अच्छी तरीके से हो जाए। हालांकि ऑपरेशन के बाद भी उसको दिक्कत आने वाली है, लेकिन आप लोग ऊपर वाले से प्रे करिए कि उसका अच्छे प्रकार से ऑपरेशन हो जाए और जिंदगी के अंदर बेचारा कामयाब अपना हो जाए, ठीक है। ये उसके लिए यहाँ पर आप लोग सब प्रे करिए, क्योंकि दुआओं से जरूर कुछ ना कुछ असर होगा, ठीक। उसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाना है, वो कैसे बनाना है? जितने भी आप लोग स्टूडेंट हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप लोगों, आपकी भाषा अलग अलग है, आपके जेंडर अलग अलग है, कोई मेल है कोई फीमेल है, आप लोगों के स्टेट अलग है, आप लोगों के कल्चर अलग है, आप लोगों की जो मेंटल एबिलिटी है सोचने की, आईक्यू लेवल है वो अलग है, आप लोगों का इंटरेस्ट अलग है, ठीक है। तो ये सब चीज के अंदर आप लोगों के बीच में विभिन्नताएं मिलती है, ऐसी हमारे क्लासरूम के अंदर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो इन विभिन्नताओं के प्रति, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति हमको बच्चों को सेंसिटिव बनाना है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, मान लीजिए कोई जेंडर है, ठीक है, और जेंडर के अंदर मान लीजिए कुछ जेंडर वाइज हो रहा है, मतलब मेल और फीमेल के अंदर यहाँ पर डिफरेंस पैदा किया जा रहा है, मेल और फीमेल के बीच में इनइक्वालिटी की बात हो रही है। तो मान लीजिए अगर जेंडर के ऊपर कोई बात होगी तो टीचर बच्चों को समझाएगा कि बेटा जेंडर वाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है, और पहली बात तो खुद ही नहीं करेगा कि मेल और फीमेल दोनों इक्वल है, जो काम मेल कर सकता है वो फीमेल कर सकती है, जो फीमेल कर सकता है वो मेल कर सकती है। मतलब इस तरीके की अप्रोच उसको बतानी है, जो आपके एनसीईआरटी की किताबों में ऑलरेडी दिया रहता है, जैसे आप लोग पढ़ते हो बचेंद्रपाल जी के बारे में, कन्नम मल्लेश्वरी जी के बारे में, वहीता प्रेमी जी के बारे में। ये एग्जाम्पल इसलिए एनसीईआरटी किताबों में सेट किए हुए ताकि स्कूल में आने वाली बच्चियां इनको देख सके, मोटिवेट हो सके और फिर आगे बढ़ने की कुछ ना कुछ वो लगन अपने अंदर यहाँ पर ला सके, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जेंडर के प्रति सेंसिटिव बनाना है, जो कि आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा पौधों के प्रति बच्चों को सेंसिटिव बनाना है, ये क्वेश्चन तो कई बार सीटेट के अंदर आया हुआ है कि बच्चों को पौधों के प्रति संवेदनशील बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा। पता है सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है किसी भी चीज के प्रति सेंसिटिव बनाने का? उस चीज को अपने घर में लेकर आ जाओ और घर में लाकर उसका पालन पोषण शुरू कर दो। क्या काम शुरू कर दो? घर में लाकर उसका आप लोग पालन पोषण यहां पर शुरू कर दो। आप खुद पर खुद कुछ टाइम के बाद उससे उसके प्रति सेंसिटिव हो जाओगे। रोज सुबह सुबह दोपहर में जाकर पानी दोगे, रोज उसके अंदर खाद डालोगे, आप इतने सेंसिटिव उस बच्चे के प्रति यहां पर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ भाई बेचा, आप स्टूडेंट के लिए प्लीज प्रे करिए, ठीक है। देखिए अगली बात है वाटर, वाटर के प्रति बच्चों को सेंसिटिव बनाना है। बेसिकली जो आपका ईवीएस एनवायरमेंट होता है ना, जो पूरा एनवायरमेंट होता है, उस पूरे एनवायरमेंट के प्रति, उसके प्रति बच्चों को आपको सेंसिटिव बनाना है। वाटर के प्रति सेंसिटिव कैसे बनाओगे कि बेटा देखो पानी का मिसयूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, अगर जितना जरूरत है उतना ही पानी को इस्तेमाल करना चाहिए, इस प्रकार से पानी के प्रति सेंसिटिव बना सकते हो। जानवरों के प्रति सेंसिटिव बनाना चाहिए,
आप लोगों ने कभी एक चीज नोटिस की है, आप अपने घर के अंदर कोई भी जानवर पालना शुरू कर दो, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी जानवर, कुछ टाइम के बाद आपको उससे इतना लगाव हो जाएगा, घर वालों से ज्यादा जानवर से लगाव हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा अगर किसी भी चीज के प्रति आपको सेंसिटिव रखना है, प्लांट हो गया या एनिमल हो गया, तो उसको घर में ले आओ और उसका पालन पोषण शुरू कर दो, अपने बच्चे की तरह आप लोग उससे प्यार करना शुरू कर दोगे। कहानियों के पात्र के प्रति सेंसिटिव बनाओ, एनसीईआरटी के अंदर के भी है कि छोटा बच्चा जो चीजें सीखता है ना, वो छोटा बच्चा चीजें सीखता है खासकर प्राइमरी लेवल का, कहानियों के माध्यम से सीखता है। अब मान लीजिए उसको कोई भी कहानी सुना दी आपने, ठीक है, मान लीजिए कन्नमल्लेश्वरी जी की सुना दी, तो जो कहानियों के अंदर जो यहाँ पर कैरेक्टर आ रहा है, ये अपनी तरफ से हम जो भी बच्चों को कहानी सुना रहे, उस कैरेक्टर के प्रति संवेदनशील आपको बनाना चाहिए। कभी कहीं हम लोग कहानी पढ़ते हैं ना, हम खुद बड़े होकर और कहानी को पढ़ते पढ़ते हम इमोशनल हो जाते हैं कि अरे यार ये तो उसके साथ गलत हुआ, मूवी देखते हैं वहां पर इमोशनल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, जितनी भी चीजें रहती है उनके प्रति बच्चों को आपको क्या बनाना है, सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील बनाना है। डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब देखो क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकालो खुद से कि कैसा क्वेश्चन आता है और किस प्रकार से इसका आंसर देना होता है। अब इसका आंसर आप लोगों को निकालना है खुद से, तो चलिए इसके बारे में हम नजर हम लोग डाल लेते हैं, ठीक है। हाँ सर जी, हम डॉग और खरगोश रखे हैं, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। जितने भी अपने जानवर है रखो अपना, ठीक है, एक ने डॉग और खरगोश को रखा है। देखिए क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, ईवीएस पाठ्यचर्या के अनुसार बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है, बताओ बच्चों से यहां पर किस प्रकार की अपेक्षा की जाती है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। ठीक है भाई, वे दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने निकटतम परिवेश के बारे में अपने अनुभव द्वारा यहां पर जानकारी को प्राप्त करें। देखिए सबसे मेन बात यही कही हुई है, जैसे आप लोगों को एनसीईआरटी 2005 में पढ़ाया हुआ या एनसीईआरटी भी आप लोग देखते हो कि जो बच्चों को चीजें पढ़ा रहे हो वो उसके वास्तविक जीवन से कनेक्ट करके आप लोग पढ़ाइए, क्योंकि वास्तविक जीवन से बच्चा क्या काम करता है, जो उसकी डेली का जो जीवन होता है उससे अपने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस को यहाँ पर फील करता है, लेता है और उसके माध्यम से अपने ज्ञान का सृजन करता है, पहला। ठीक है, वे निकटतम परिवेश के लिए प्राकृतिक जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को पोषित करें, बिल्कुल सही बात है, प्राकृतिक के लिए आपकी क्यूरियोसिटी भी बच्चे के अंदर होनी चाहिए। और क्यूरियोसिटी किस प्रकार से होनी चाहिए, मान लीजिए कुछ उसने बच्चे ने, हम जब छोटे से थे ना तो हम होता एक रात के अंदर जुगनू आता था और रात में चमकता था, तो उसको चमकने के बाद हम पूछते थे कि क्या होता है जुगनू, तो हमारे घर वाले कहते थे कि जुगनू जो होता है ना अगर तुमने इसे देख लिया तो इससे कोई अपनी विश मांग लो इच्छा मांग लो पूरी हो जाएगी। तो कुछ दिनों तक तो भाई हम बेवकूफ बनते रहे, जैसे जुगनू आता था या जुगनू नहीं भी आता था तो ढूंढते थे कहां चमक रहा है जुगनू, और जैसे वो दिख जाता था तुरंत इच्छा मांगते थे कि भगवान हे जुगनू ये वाला काम कर दियो ताकि हमारा काम पूरा हो जाए। तो एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि मतलब ये जानने की, हालांकि गलत इन्फॉर्मेशन हमें देते थे घर वाले आसपास वाले जो है, ठीक है। तो इस जिज्ञासा और जो सृजनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी होती है, उसको यहाँ पर पोषित करना चाहिए। आप लोगों ने ये वाला काम क्या होगा, टूटते तारे से विश मांगी होगी, जुगनू से कुछ मांगा होगा, इस प्रकार से आग का एक पलक का ये बाल गिर जाता है तब उसको यहाँ पर रख के मांगते कि ये मेरा वाला काम हो जाए, ऐसे करते हो ना आप लोग। अगला है, वे निकटतम पर्यावरण में प्राकृतिक भौतिक और मानव संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करें। बात आ रही थी आपके पूरे के पूरे एनवायरमेंट के प्रति, जिसमें सब आ जाता है, पेड़ पौधे जानवर मनुष्य हर प्रकार से सभी लोग आ जाते हैं। तो जो प्राकृतिक हो भौतिक हो चाहे मानव संसाधन हो, उन सभी के प्रति आपको संवेदनशीलता यानी सेंसिटिव यहां पर रखना है, ठीक है। वे पर्यावरण संरक्षण के लिए रैलियों और प्रदर्शनों का आयोजन करें। देखिए अगर इस ऑप्शन के अंदर बच्चे से संबंधित नहीं पूछा, क्योंकि यहां पर बच्चे से अपेक्षा की जा रही है, तो जो रैली होती है प्रदर्शन होते हैं ना वो करवाना जरूरी होता है। अगर बच्चों को आप लोगों को ईवीएस के बारे में जानकारी देनी होती है, आप लोगों ने सरकारी स्कूल के अंदर देखा होगा या प्राइवेट स्कूल के अंदर देखा होगा तो कभी कभी रैलियां निकलवाते हैं, बट ये काम जो होता है आपके टीचर का काम होता है, यानी बच्चे का ना कि बच्चे का काम। तो आंसर नंबर आपके फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहां पर आंसर सही हो जाएंगे, रैली आप लोग निकलवाना जब आप लोग स्कूल के अंदर हो या प्रदर्शन करवाना, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं जो आसपास के लोकल के जो यहाँ पर बच्चे होते हैं, कुछ परिवेश के अंदर बच्चे होते हैं, ठीक है।